किशोर कुमार साहब, जिन्होंने हजारों गाने गाए, हर मूड का गीत गाया। उनकी जिंदगी का एक पहलू वो भी था जिसमें शरारत होती थी, मस्ती होती थी। अगर हम ये कहें कि उस दौर में लगभग हर म्यूजिक कंपोजर ने इनसे गाना गवाया होगा, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनके साथ काम करते हुए हर म्यूजिक कंपोजर ने एक ना एक बार तो दांतों तले उंगली जरूर दबाई होगी। आज बताऊंगी कि क्यों फिल्म सौतन के गाने के लिए पहले म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना जी को मना कर दिया किशोरदा ने, और फिर खुद ही स्टूडियो में आ गए रिकॉर्डिंग के लिए। रील नहीं, रियल स्टोरीज में। बात 1983 की फिल्म सौतन की है। राजेश खन्ना, टीना मुनीम और पद्मिनी कुलापुरे स्टारर इस फिल्म में उषा खन्ना जी म्यूजिक दे रही थी। उषा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोरदा को गाना टेप में रिकॉर्ड करके हम दे दिया करते थे, और साथ में लिफाफा यानी गाने के साथ साथ पेमेंट पहुंचनी जरूरी होती थी। अब एक बार फेमस स्टूडियो में किशोरदा का गाना रिकॉर्ड करना है फिल्म सौतन के लिए, सब इंतज़ार कर रहे हैं, म्यूजिशंस भी सब हैं, रिहर्सल्स भी कर ली कि किशोरदा का फ़ोन आता है। उषा जी ने जब बात की तो दादा आवाज़ बदल कर बोले, उषा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उषा जी कहती है, मैंने कहा, दादा मैं आपकी आवाज़ को अच्छे से पहचानती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। किशोरदा बोले, नहीं सच कह रहा हूँ, तुम ऐसा करो ट्रैक ले लो, कल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। बोले, दादा आपको पता है यहाँ इस स्टूडियो में ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो सकता। दादा बोले, नहीं कुछ तो कर ही लो, आप क्या कह सकते हैं, ठीक है फ़ोन रख दिया। अब वहाँ फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार भी हैं और सब म्यूजिशंस भी हैं, और सोच रहे हैं क्या हुआ, अब करें भी तो क्या। गीत इतना अच्छा था कि रिकॉर्डिंग कैंसिल करने का मन भी किसी का नहीं था। कुछ ही देर में आवाज़ें आने लगी, किशोरदा किशोरदा किशोरदा, यानी कि किशोरदा स्टूडियो आ गए थे, और आते ही सबको बोले, चलो चलो शुरू करो रिकॉर्डिंग करते हैं। और फिर बाद में बताया कि मैं वापस जा रहा था पास के ही एक स्टूडियो से, कि रास्ते में ड्राइवर से कहा, जरा गाना तो लगाना कौन सा है, और उसने पहले कोई और गाना लगा दिया किसी और म्यूजिक डायरेक्टर का, जिसमें धीताने। उषा जी से बोले, तुम्हें तो पता ही है सरगम के लिए फिर मुझे तैयारी चाहिए। और बोला, मेरे को पहला गाना किसी और म्यूजिक डायरेक्टर का लगा दिया उसने, और उसमें थी ताने। वो सरगम में तुमको मालूम, मैं सरगम वरगम मैं गाता नहीं हूँ, उसमें खूब जरा तैयारियाँ थी। मैं तो बोला, बंद करो यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन जब फिर कहा कि उषा खन्ना का टेप लगा दो और ये गाना सुना, तो फिर मैंने कहा ड्राइवर से कि गाड़ी वापस मोड़ो। ये गीत जानते हैं कौन सा था? जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। इस फिल्म के सभी गीतों को यूं तो बहुत पसंद किया गया था, लेकिन शायद मेरी शादी का ख्याल, ये गीत राजेश खन्ना को भी बहुत पसंद आया था, और इसके लिए उन्होंने उषा जी को कॉम्प्लीमेंट भी किया। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। उषा जी कहती हैं कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त ही मालूम हो रहा था कि लता जी और किशोरदा इसे गाते वक्त बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और मानो आपस में ही बात कर रहे हो। जैसे लता जी ने गीत के बीच में कहा है, अरे नहीं बाबा, अरे नहीं बाबा, ये लता जी का रिएक्शन था जिस तरह से किशोरदा गा रहे थे, जिस मस्करी भरे अंदाज से गा रहे थे उसे लेकर। उषा जी कहती हैं, ऐसा कहना है बिल्कुल प्लान में नहीं था, और इस छोटी सी बात ने गाने को और भी खास बना दिया। संगीत की दुनिया में कई ऐसे सिंगर्स रहे हैं जिनका नाम इंडियन सिनेमा के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, और इन्हीं में से हैं एक महागायक किशोरदा, जिन्हें ना सिर्फ उनके गीतों के लिए बल्कि उन किस्सों के लिए भी याद किया जाता है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करते हैं। वो पहलू जो उनकी सिंगिंग और एक्टिंग से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अनोखा, पर शायद ये पहलू उनके गीतों में भी महसूस किया जा सकता है, और इनके गीतों को वो खास बनाता है। संगीत प्रेमियों, डिड 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 डिड